हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हैं आप फाइन so होंगे आप बहुत अच्छे से होंगे और गुडविल के कॉन्सेप्ट को आपने कर लिया होगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक like नहीं किया होगा तो प्लीज प्लीज इसको लाइक like, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और आइए आज के चैप्टर को और आज के लेक्चर को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे आइए दोस्तों देखिए अपने सामने ये जो सिचुएशन है आज जो हमको करना है वो क्या करना है वो करना है हम लोगों को रिवैलुएशन का एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्युएशन और ये कब के केस की बात कर रहा है ये ये जो केस होगा हमारे पास वो केस होगा इन केस ऑफ पार्टनर पार्टनर जो एडमिट होगा उस केस में रिवैलुएशन पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो कैसे कैसे एडजस्ट होंगे क्लियर है तो इसको देखने के लिए हम आइए आपके सामने सबसे पहले हम एक बैलेंस शीट्स में जो आपके पास ये लैंड एंड बिल्डिंग पड़ा होगा और ये प्लांट एंड मशीनरी पड़ा होगा उसकी एसेट्स को वैल्यू को करेंगे और इसको आज जो हम करेंगे वो करेंगे सर कैसे स्मार्ट वर्क इन हार्ड फॉर्म क्लियर है ये पीछे के लेक्चर में भी ये पिक्चर मैंने आपको दिखाया हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसको यहाँ पे डालने का मेरा मेन परपस ये है कि आज जो है आज हम लोग को स्मार्ट वर्क में काम करना पड़ेगा जैसे कि मैंने पीछे भी एग्जाम्पल दिया हुआ था एक कमोडिटी है जिसको आप ए, आगे की तरफ पोषण करने के लिए ये देखिए ये तीन लोग स्क्वायर फॉर्म में है और इसको पुशअप करते हैं तो शायद इनको प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन अगर इसको राउंड फॉर्म में कर दिया जाए तो ईजिली कर सकते हैं तो अगर ऐसा अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारा सिचुएशन कालिदास की तरह हो जाएगा जो कि उसी टहनी पे बैठे हुए हैं जिसको वो काट रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले बात आज हम लोग को क्या करना है तो क्या करना है आज हम लोग को देखना है कि रिवैलुएशन पे जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट लॉस जो अराइज होगा नाम है है ऑफ एसेट्स उसको कैसे करेंगे क्यों होता है और कैसे होता है तो कैसे वाला पार्ट में हमको क्या करना होगा ये जो स्मार्ट थिंकिंग है उसको अप्लाई करके जो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो किया है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे और आपको चीजें समझ में आ जाएगी सबसे पहला बात हमको आज करना क्या है तो एडजस्टमेंट करना है प्रॉफिट लॉस रिवैल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ऐसा क्यों होता है वो वो भी हम आज चर्चा करेंगे ठीक है तो आइए इसको चर्चा को बढ़ाते हुए आगे हम बात करते हैं कि अपने पास आज जो करने का जो जिम्मा लिया गया है वो है आपका रिवैलुएशन तो आइटम ये कहाँ पड़ा रहेगा आपको मालूम है पहले से फिर भी हम एक बार डिस्कस कर देते हैं ये सर है बैलेंस शीट किसी भी फॉर्म का और उस बैलेंस शीट्स में क्या हुआ होगा बहुत सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी होंगे जैसे एसेट्स होगा एसेट्स में क्या क्या हो सकता है उसके पास एसेट्स हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग हो प्लांट एंड मशीनरी हो स्टॉक हो डेटर्स हो है ना ये सारे एसेट्स हो सकते हैं इनके पास कैश हो सकता है बैंक हो सकता है यही बैलेंस शीट्स का फॉर्मेट हो सकता है इधर क्या होगा पार्टनर का कैपिटल होगा लोन्स एंड लाइबिलिटी होंगे मोटा मोटी इतना सारा बात होगा अब ये जो बैलेंस शीट है ये किसी पार्टिकुलर डेट का है मान लेते हैं कि हमारे पास ये बैलेंस शीट 31 तीन 2020 का है बैलेंस शीट क्लियर है अब हमारे सामने जो सिचुएशन एराइज हो रहा है कि हम ऐसा करने क्यों जा रहे हैं तो एक एग्जांपल हम आप देखिए अगर मान लेते हैं कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है सपोज दैट ये चल रहा है सर एक चार दो से ठीक है और यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर थे पहले से अब ये जो डेट है इस डेट पे ये डिसाइड होता है कि मिस्टर सी जो है यहां पे एडमिट होगा अब एक चार 2020 से क्लियर तो जब सी एडमिट होगा तो उसके पास राइट क्या क्या आएगा उसके पास राइट आएगा फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा उसमें शेयर करेगा क्लियर है जो भी एसेट्स होंगे उसमें भी वो शेयर करेगा अब रहा बात ये जो बैलेंस शीट्स है और जो भी ये एसेट्स है और ये जो भी ये लाइबिलिटी है ये किस पीरियड का बिलोंग कर रहा है ये पीछे का इसके पीछे का मिस्टर सी के एडमिट होने के पहले का क्या ये एसेट्स इसका है नहीं है जब नहीं है तो हम क्या करेंगे ये जो एसेट्स लाइबिलिटी है अगर मान लेते हैं ये जो बैलेंस शीट्स में जो पड़ा होगा ये वैल्यू होगा बुक वैल्यू है ना बुक वैल्यू होगा हो सकता है कि ये लैंड एंड बिल्डिंग इन लोगों ने खरीदा होगा दस लाख में बट आज का अगर एक चार दो हजार बीस का अगर वैल्यू देखा जाए तो हो सकता हो पंद्रह लाख वैल्यू हो क्लियर है तो ये पांच लाख जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट किसको बिलोंग कर रहा है पुराने पार्टनर को क्लियर है तो ये पुराने पार्टनर को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या प्रॉफिट पुराने पार्टनर में नहीं बटना चाहिए बटना चाहिए क्लियर है अब ये कॉन्सेप्ट आपने पी के, के केस में भी किया हुआ था बस डिफरेंट इतना था कि पी एस आर के केस में और एडमिशन के केस में क्या डिफरेंट है उसको भी एक बार देख लीजिए सर पी एस आर जो है अगर हम पीएसआर वर्सेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर वर्सेस आप एडमिशन को आप देखोगे तो फर्क क्या हो रहा है वो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रहा था तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उन्हीं के बीच में सारा एग्रीमेंट चेंज हो रहा था मतलब अगर ए बी एंड सी पहले भी पार्टनर थे तो बाद में भी ए बी और सी ही पार्टनर थे बस क्या चेंज हो रहा था केवल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था तो वहां जो लैंग्वेज हमने पढ़ा है अगर उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकते हैं ए बी एंड सी होगा और हो सकता है नया पार्टनर एक डी एंट्री हो जाए तो ए बी सी एंड डी हो जाएगा क्लियर है तो हमारे पास जो लैंग्वेज है वहां पे क्या था जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो सारे पार्टनर में किस रेशियो में. कि में बटेगा ओल्ड पार्टनर में वहां पे ऑल पार्टनर हुआ करता था यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑल पार्टनर हुआ करता था बट यहां पे क्या होगा ओल्ड पार्टनर बस इतना लैंग्वेज चेंज होगा हमारा काम बन जाएगा इसीलिए मैंने बोला है कि आपको करना है हार्ड वर्क इन स्मार्टफोन ठीक है स्मार्ट में करना है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार लैंग्वेज को पढ़ेंगे और मैंने जान बूझ कर वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला ही लैंग्वेज पेस्ट किया है और यहाँ पे हम आपको चेंजेस को कट करवाएंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका ताकि आपको अगर रीड करना हो फ्यूचर में तो स्क्रीन ले लीजिएगा फिलहाल पढ़ते हैं क्यों तो। देखिए एक बार क्या कह रहा है कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिवैलशन अब जाहिर सी बात है आपको पहले से मालूम है दो तरह के ऑप्शन है हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है ऑप्शन वन में हमारे पास ये बातें निकल के आएगी कि सर हम जो है जो भी रिवैल्युएशन का प्रॉफिट लॉस जो है वो किसमें ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट उस एसेट्स को हम हिट कर देंगे उस एसेट्स के वैल्यू को चेंज कर देंगे तो जो नया बैलेंस शीट बन के आएगा वो क्या आएगा उसमें वो फिगर चेंज होके आएगा तो सिंपल सा बात है ये पहले से किया हुआ काम है रीवैल्युएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड रीवैल्युएशन अकाउंट को क्रेडिट किससे करोगे क्रेडिटेड विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी री अकाउंट इज डेबिटेड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इनक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइविटी ये ऑल सब बातें सब कुछ सेम टू सेम है बैलेंस ऑफ रिवैल्युएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दे आर ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्लियर है अब यहां पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो लिखा हुआ है इसको हम रिप्लेस करके क्या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए स्मार्ट वर ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है तो हमारे पास एक वर्ड एड कर दिया पी एस आर वाले में केवल एक वर्ड यूज कर दिया ओल्ड मेरा काम यहाँ पे बन गया अकाउंट इन द ओल्ड शेयरिंग रेशियो शेयरली बात है अगर ओल्ड पार्टनर है उनमें शेयर बटेगा तो उसमें किस रेशियो में बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब इन बातों को एक लेजर अकाउंट में हम दिखा देते हैं हालांकि पहले से किया हुआ है फिर भी एक बार आपको हमको बता देना जरूरी है जो लोग नए होंगे वो एक बार देख लेंगे जो पुराने लोग

ये है आपका क्रेडिट साइड इसमें किसको क्रेडिट करेंगे हम बाई इनक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स वो एसेट्स का आप नाम लिखेंगे पार्टिकुलरली जो जो एसेट्स होगा लैंड बिल्डिंग होगा उसका नाम लिखा जाएगा यहां पे अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा इसके साथ साथ बिकॉज क्यों क्रेडिट किया जाएगा बिकॉज ये फायदा वाला काम है तो फायदा को क्रेडिट साइड में लिखोगे उसके बाद कह रहा है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी मीन्स जो भी लाइबिलिटी है आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में उसके वैल्यू में अगर कोई डिक्रीज हो रहा है उसको आप इस साइड में लिख लोगे इधर क्या लिखोगे आप टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ उसको इस साइड में लिख लें टू इनक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्लियर है उसको यहाँ पे लिख ले अब इतना काम करने के बाद आप लेजर को बैलेंसिंग कर ले अभी हम मान के चलते हैं कि इस साइड का जोड़ ज़्यादा होगा तो मेरे पास मान लेते हैं इस साइड का जो टेन थाउजेंड है और इधर का सारा का सारा नाइन थाउजेंड है तो हमारे पास ए वन थाउजेंड क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर ये है आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्युएशन इसको किसको बांट देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस पार्टनर में वो ध्यान देना जरूरी है वो है ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो क्लियर है तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि रिवैल्युएशन अकाउंट को क्रिएट करो तो ये वाला लेजर हम पोस्ट करेंगे बनाएंगे और अपना रिवैल्युएशन का, का काम हो 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 जाएगा ये है 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 सर option number one. Option number one, मैंने इसलिए बोला कि revaluation का एक 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 तो तो के सकता सकता और आपका भी भी बार को हम देख लेते हैं फिर इकट्ठे दोनों का एक बार एक एग्जाम्पल ले लेंगे और हमारा काम आज का बन जाएगा हार्ड वर्क इन वर्क क्लियर है तो आइए हम अगले स्लाइड्स पे चलते हैं और एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट्स पढ़ते हैं हालांकि उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है जैसा आपने पी एस आर में पढ़ा था वैसा ही यहां पे फिर भी एक बार देख लेना जरूरी है ताकि इस चैप्टर का सीक्वेंस अब वहां पे जाके कहाँ से रेफर करते रहेंगे तो यहां पे एक बार देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ आइए ऑप्शन नंबर टू को देखते हैं और रीड करते हैं ये सेम टू सेम जो पीएसआर वाले चैप्टर में आपने किया था चैप्टर टू में वो सेम लैंग्वेज यहाँ पे है और सेम काम भी करना है और उसको हमको आपको बस डिस्कस कर देना है और एक एग्जाम्पल आपको दिखा देना है आइए एक बार देखिए क्या कह रहा है ये? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटलिटी आपके बैलेंस शीट्स में है वो उसी वैल्यू पे आगे कैरी ऑन होगा उसमें जो भी फ्लक्चुएशन होगा जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू आपका केवल बढ़ जाएगा कहता है व्हेन द रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट ऑफ रिवेलशन

और एक सी एंटर हो रहा है तो ऑब्वियसली ये सी को हम क्या कर सकते हैं न्यू पार्टनर ठीक है और जब सी एडमिशन होगा तो क्या ये गेनिंग पार्टनर नहीं है गेनिंग पार्टनर अब वही वाला कॉन्सेप्ट अगर ध्यान करे कि एक ही आदमी हर जगह पे उसका नाम चेंज हो जाता है उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कुछ चीजें कही जा रही है वहां पे, जैसे आप घर पे क्या हो बउआ हो और क्लासरूम में क्या हो स्टूडेंट हो और ऑटो में बैठते हो तो आप पैसेंजर हो वैसे ही यहां पे वर्ड स्पेसिफिकली किया गया है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर मे भी हो सकता है पुराने पार्टनर भी ए और बी हो अगर नया सी का एडमिशन होता है ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हमेशा ए और बी सेक्रीफाइस ही करेंगे दोनों इकट्ठे कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा मे भी ऐसा हो सकता है कि ए केवल सेक्रीफाइस कर रहा है और सी के एडमिशन पे बी भी, भी गेन कर रहे ऐसा पॉसिबिलिटी है बी भी गेन करे और सी भी गेन करे क्लियर है बट एक तो कोई सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा इसलिए यहां पे वर्ड मैंने वर्ड नहीं यूज किया हुआ है हमने क्या यूज किया हुआ है एक तो गेनिंग पार्टनर जो कि हो सकता है आप कह सकते हो कि इनकमिंग पार्टनर होगा वो ऑलवेज गेन करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे वर्ड यूज किया है मैंने ना कि ओल्ड पार्टनर मैंने यहाँ पे ओल्ड वर्ड यूज नहीं किया हुआ है वो इसलिए बिकॉज अगर ओल्ड वर्ड यूज कर दिया जाएगा तो ए और बी दोनों कवरअप हो जाएंगे दोनों पुराने पार्टनर है और मे भी हो सकता है कि बी वहां पे सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हो ऐसा आपको क्वेश्चन में आ सकता है क्लियर है तो यहाँ पे वर्ड जो मैंने यूज किया है गेन और सेक्रीफाइस वो आपको क्लियर समझ में आ गया है। सबसे पहला बात ये सारा काम आपने पहले भी किया अमाउंट आपको नोट कर लेना है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स उसमें जोड़ देना है डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइवलिटी उससे लेस कर देना है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स उसमें से माइनस कर देना है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ

ये सेक्रीफाइस करे बी भी सेक्रीफाइस करे और सी आपको क्या करे गेन करे या मे भी ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि सी तो अब ऑलवेज गेन करेगा ही करेगा शेयर में ए और बी में से कोई एक ही सेक्रीफाइस करे सिचुएशन क्लियर है उसके बाद जो आपने स्टेप वन में अमाउंट निकाला है ये वाला ये वाला अमाउंट को क्या करना है कैलकुलेट और कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑन रिवेल्युएशन तो गेनिंग पार्टनर के लिए क्या करेंगे आप शेयर्स गेन जो कि आपका स्टेप नंबर टू में निकल के आया था उसको स्टेप वन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर केस में शेयर सेक्रीफाइस इंटू नेट इफेक्ट ऑफ रिवल्यूशन एडजस्टमेंट कर देंगे अगर आपको प्लस ये वाला फिगर पॉजिटिव आता है तो ये वाला एंट्री करेंगे आप ए नंबर अगर पॉजिटिव आता है स्टेप वन में तो ये वाला एंट्री गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर ये वाला पोजिशन निगेटिव आ सकता है मे भी हो सकता है तो उस केस में ऊपर वाले एंट्री को आप रिवर्स कर दोगे मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर तो इतना अपना थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है और आपको ध्यान होगा तो ये सेम है सेम एज इट इज है जो आपने पढ़ा था कहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में इसलिए मैंने बोला था आज आज का लेक्चर जो होगा आपका हार्ड वर्क होगा लेकिन स्मार्ट फॉर्म में होगा तो कंट्रोल प्लस से कंट्रोल प्लस भी कॉपी पेस्ट करो थोड़ा सा दिमाग लगा के क्लियर है अब इतना हमारा कॉन्सेप्चुअल चीज हो गया कॉन्सेप्चुअल चीज में आपने दो बातें कर ली ऑप्शन नंबर 1 कर लिया एंड ऑप्शन नंबर 2 कर लिया बहुत डिटेल्स में इस पे इफ बट जो है लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम के लिए आपको पी एस आर का चैप्टर रेफर कर लेना है जैसे वो बोलेगा कि एसेट्स इंक्रीज इतना परसेंटेज टू वो सारा मैंने करवा दिया हुआ है बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लेंगे और आप आज का काम आपका हो जाएगा क्लियर है तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपका काम आज का बनाते हैं क्लियर है तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं स्टेशन को एक बार रीड करते हैं क्या क्या कह रहा है उसके हिसाब से फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे देखिए ये कह रहा है कि आपका बैलेंस शीट्स ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ रेशन इनका थ्री वन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्थ टू थाउजेंड ट्वेल्व ये बैलेंस शीट दिया हुआ है बिल्स डेटर्स स्टॉक फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग संड्री क्रिएटर्स है ए का कैपिटल है और बी का कैपिटल है अब कह रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च को सी एडमिट हो रहा है और क्या टर्म्स है उसका ये कह रहा है इसका मतलब अगर हम एक बार यहाँ वर्किंग कर ले तो ए और बी पे क्या रेशियो है थ्री इज टू वन का और सी जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है वन फिफ्थ के लिए क्लियर है अब बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं कहा हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आप करोगे कैल्कुलेट तो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है न्यू का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम वर्किंग पे नहीं करेंगे हमारे पास रेशियो है, है हमारे पास और का 1, किस रेशियो में थ्री टू वन में तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपका थ्री टू वन ही रहेगा क्लियर है इतना का हमको जरूरत है और इतना सामान अपने पास है. अब रहा बात, क्या क्या कह रहा है वो देखिए तो दैट दी पे टेन थाउजेंड एट हिज कैपिटल ऑफ वन फिफ शेयर एंड सी पे फाइव थाउजेंड फॉर गुडविल हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज बाय ए एंड बी तो ये वाला कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर का है आपने गुडविल का है वो आप वहां से कर सकते हो या एक बार हम इसका जर्नल एंट्री यहाँ पे भी हम आपको लिख दे रहे हैं so, तो क्या क्या लेके आएगा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट गुडविल का एंट्री हो रहा है अभी बैंक अकाउंट हाउ मच कितना लेके आएगा दस हजार तो कैपिटल का पांच हजार गुडविल का तो पंद्रह थाउजेंड टू तो सी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल या प्रीमियम अकाउंट कितना पांच हजार ठीक है तो ये पंद्रह हजार रुपया लेके वो आ गया अब ये कह रहा है इस प्रीमियम को किसको किसको बांटोगे आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में हम क्या एंट्री करते हैं इसका प्रीमियम अकाउंट डेबिट हाउ मच फाइव थाउजेंड इसको बढ़ जाएगा ए और बी में क्लियर है सर ए तो और बी में किस कैश कैसे बटेगा थ्री इंस टू वन में थ्री इंस टू वन को बांटेंगे आप तो फाइव थाउजेंड इंटू थ्री इंसू वन का मतलब थ्री बाई फोर एंड फाइव थाउजेंड इंटू वन बाई फोर तो ये आ जाएगा आपका निकाल के देख लीजिएगा तीन हजार सात सौ पचास रुपया और ये हो जाएगा बारह सौ पचास रुपया और बोल रहा है हाफ ऑफ द सम इज विड्रॉन बाई ए एंड बी तो हाफ हाफ इसका विड्रॉ कर दीजिए ए एंड बी कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना अब सैंतीस सौ पचास का हाफ कितना होता है अठारह सौ पचहत्तर और बारह सौ पचास का छह सौ पच्चीस टू एंट ये तो पिछला का चैप्टर टॉपिक का था गुडविल का वो कर लिया अब आ रहा है बात ये कह रहा है कि अब यहां से देखिए कि यहाँ पे रिवैल का है कहते है कहता द स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस बाई टेन परसेंट एंड फाइव परसेंट स्टॉक और फर्नीचर जो है कितने कितने से रिड्यूस हुआ है फाइव परसेंट से सॉरी टेन परसेंट और स्टॉक एंड फर्नीचर आर रिड्यूस बाई टेन परसेंट स्टॉक कितने पास है आपके पास ये है बीस हजार बीस हजार का टेन परसेंट कितना होता है का 10%, 2000. और और क्या बोल रहा furniture. Furniture है स्टॉक और फर्नीचर फर्नीचर भी तो एक हजार का टेन परसेंट वन हंड्रेड कितना वैल्यू रिड्यूस हो गया आपका उसके बाद बोल रहा है फाइव परसेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन सेंट्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल क्लियर है पांच परसेंट इसका आपको लॉस करना है तो सोलह हजार का पांच परसेंट कितना होगा आठ सौ और बिल्स रिसीवेबल कितना है तीन हजार का पांच परसेंट एक सौ पचास रुपए ये सारा वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एसेट्स का और किसके बारे में बोल रहा है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड तो लैंड एंड बीस परसेंट से आपका बढ़ जाएगा तो क्या करें प्लस कर देना मतलब बढ़ेगा ये कितने से पच्चीस हजार का बीस परसेंट कितना होता है पांच हजार चलिए उसके बाद कहता है देयर being a a claim against from a damage liability to the extent of liability का, one का तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको क्रिएट करना पड़ेगा यानी कि एक हजार रुपए का और आपको लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा तो ये भी आपका माइनस फिगर वाला में जाएगा हम देखते हैं रिवॉल्युएशन अकाउंट में डाल के सबको एंड आइटम ऑफ सिक्स फिफ्टी क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड शुड बी रिटर्न बैक मतलब ये क्रेडिटर्स जो है छह सौ पचास रुपया का ऐसा क्रेडिटर्स है जो कि क्या कह रहा है फी हमारे पास नहीं मांगने के लिए वो है तो आइए यहीं पे एक बार रिवेलुएशन अकाउंट हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और आपको रिवेल्युएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के हम बता देते हैं तो ये यहाँ पे मिटा दिया हमने और एक यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हम रिवेल्युएशन अकाउंट चलिए तो सर तो रिवैलुएशन अकाउंट कैसे बनता है सिंपल रिवैलुएशन अकाउंट तो हमारे पास ये जो वर्किंग आपने किया है जो भी इंक्रीज वाला वैल्यू है वो उसको कहां पे रखना है क्रेडिट साइड में और जो भी डिक्रीज वाला आइटम है उसको कहाँ पे रखना है डेबिट साइड में ठीक है चलिए तो हमारे पास ये जो सारे आइटम थे ये सारा वैल्यू कम हुआ था हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके बिल्स रिसिवेबल वैल्यू आपका कितना कम हुआ एक सौ पचास रुपया आपके पास यह है डेटर्स तो डेटर्स पे कितना वैल्यू कम हुआ 800 ये यह है आपका स्टॉक स्टॉक पे कितना वैल्यू कम हुआ स्टॉक पे 2000 यह है आपका फर्नीचर फर्नीचर पे कितना वैल्यू कम हुआ 100 ठीक है चलिए यह वैल्यू आपका कम हो गया इसके अलावा जो भी यह वैल्यू कम हुआ है उसके अलावा एक लाइब्रिटी भी आपका क्रिएट हुआ है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था वन थाउजेंड का एक लाइब्रिटी भी आपका क्रिएट हो गया था तो उसको भी हम नुकसान की तरफ लिख लेते हैं लाइब्रिटी फॉर डैमेज हाउ मच वन थाउजेंड क्लियर है चलिए फायदा वाला देख लेते हैं ये पांच हजार फायदा वाला है क्या लिखे बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना फाइव थाउजेंड और एक क्रेडिटर्स जो था ये छह सौ पचास का वो आपको वेबअप कर दिया क्रेडिटर्स कितना 650 सौ पचास क्लियर है तो आप एक बार सम करेंगे तो आई थिंक ये आएगा आपको छप्पन 5650 हजार सौ पचास छप्पन सौ पचास और इसको ऐड करेंगे एक, एक दो, दो, दो दो चार चार हजार आठ सौ एक नौ सौ पचास चार हजार नौ सौ पचास एट स्टॉक पे टू थाउजेंड है फर्नीचर पे वन हंड्रेड है ये क्लियर है दो एक तीन तीन हजार आठ सौ तीन हजार आठ सौ एक नौ सौ चार हजार पचास रुपया हो गया ठीक है चार हजार पचास में से छप्पन सौ पचास में से चार हजार पचास घटा दीजिए छप्पन सौ पचास माइनस फोर हंड्रेड फिफ्टी होता है सोलह सौ ये सोलह सौ सो क्या है मेरा प्रॉफिट है रिवोल्यूशन का इसमें बटना चाहिए कलर चेंज कर लीजिए ये बटना चाहिए आपको ए और बी में सोलह सौ रुपया बटना चाहिए किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में थ्री टू वन में थ्री टू वन में बांटोगे तो कितना आ जाएगा ये बारह सौ और चार सौ ये ओल्ड रेशियो में क्लियर है सर। अब ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया अब यहाँ पे जर्नल एंट्री के लिए बोला हुआ था हमने आपको लेजर में बता दिया कैसे होगा ये तो ये रिवेल्युएशन हो गया तो रिवेल्युएशन के अकाउंट्स के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हो क्लियर है या इसको नेट एडजस्टमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हो तो नेट एडजस्टमेंट करना है तो ये सारे वाले फिगर को आप कहाँ पे पुट कर देंगे आप आइए पर यहां पे ये सारे वैल्यू को आप यहाँ पे पुट अप करोगे यहाँ पे ये सारा वैल्यू यहाँ पे अगर पुट अप हो जाएगा तो नेट इफेक्ट हमारे पास क्या निकल के आएगा सोलह सौ क्लियर है अब गेन सेक्रीफाइस यहाँ पे निकाल लेंगे और गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देंगे यहाँ पे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है बट ऐसा आप कर सकते हो बस चेंज क्या होगा कि अगर आप ये वाला सिचुएशन लेके चलोगे तो जो नया बैलेंस शीट बनेगा ये वाला सिचुएशन जो लेके चलोगे ये वाला तो आपका जो नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें सारे ये फिगर चेंज हो जाएंगे क्लियर है अगर ऑप्शन नंबर टू यूटिलाइज करोगे तो ये फिगर सारा का चेंज नहीं होगा क्लियर है तो होप सो दोस्तों आपको रिवैल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर समझ में आ गया होगा क्लियर है तो अगर आप एक बार समरी करें तो अभी आप कहाँ पे हैं वो एक बार देख लीजिए फिर से अभी आपका अगर हम बात करें हम पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर कर रहे हैं पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का हमारा फेज जो चल रहा है पहला था आपका फंडामेंटल फंडामेंटल हम ऑलरेडी कर चुके हैं दूसरा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज का एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं क्लियर है तीसरा आपका चैप्टर चल रहा है एडमिशन और एडमिशन में आपने एक काम किया हुआ है एक तो काम किया फंडामेंटल इसका भी आपने कर लिया है दूसरा आपने एडजस्टमेंट ऑफ पी एस आर भी कर लिया है तीसरा आपने कैपिटल जो ले के आया था बंदा वो कैपिटल का एडजस्टमेंट प्लस गुडविल का भी एडजस्टमेंट आपने कर लिया हुआ है चौथा आपने आज कर लिया रीवैल्युशन पे प्रॉफिट जो लॉस हो रहा था वो भी कर लिया यहाँ तक आपने कर लिया हुआ है आगे हमको क्या करना है एक करना है एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट या प्रॉफिट और कैपिटल का ये दो काम करेंगे तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो फिर एडमिशन के बाद हम क्या करेंगे रिटायरमेंट डेथ और उसके बाद रिजोल्यूशन ठीक है तो ये सीन बन रहा है अपने पास तो आप कहाँ पे हो अभी आप इस लेक्चर में आप ये वाला टॉपिक हमने आज क्लियर किया है ठीक है दोस्तों इसी के साथ आज के लेक्चर को हम करते हैं और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एनी क्वेश्चन अराइज इन योर माउंड प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां से कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए ठीक है दोस्तों इसी के साथ चलिए बाय बाय जय हिंद जय जै भारत